संसार की माता ही तो निर्माता है और इसीलिए तो ऊंचा माँ का नाता है। इसीलिए भगवान के साथ तुम्हारी तुलना की गई है माताओं की। एक माँ बालक को बनाती है, माँ निर्माण करती है। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य एक स्त्री के लिए माना। और मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में कि जो वेद कह रहा है मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनाओ, मनुष्य बनो, परमात्मा के इस आदेश के पालन को करने में, भगवान की आज्ञा का ये पालन करने में तुम सबसे बड़ी भूमिका निभाती हो। ओ मेरी मातो बंधुओं, वास्तव में एक माँ का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। आज कई बार होता है भौतिकवाद की चकाचौंध में जब बच्चों की आंखों पर पट्टी बंध जाती है और पता लगा जिस माता पिता ने इतना त्याग संतान के लिए कर दिया उसी माता पिता के सामने बच्चे चुटकी बजा करके बोल देते हैं तुमने हमारे लिए इतिहास के पन्नों में कैसा ही उदाहरण आता है। कहते हैं एक बार बड़े प्रसिद्ध राजा टोडरमल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनकी माँ उनसे कोई बात कर रही थी और बात करते करते माँ ने कहा बेटे ये जो माँ का ऋण होता है ना इस ऋण से कोई आसानी से बहाल नहीं हो पाता बेटे, इतना आसान नहीं है इस माँ के कर्ज को उतार देना, इस ऋण को उतार देना। एक बालक के लिए माँ का त्याग कितना बड़ा होता है ये तुझे अभी पता नहीं है। राजा तो था ही, अभिमान भी चरम सीमा पर था। कहते हैं जब ये बात मां ने बड़ी शालीनता से कही, मार्मिक ढंग से कही, टोडरमल को क्रोध आया और क्रोध में भर करके, घमंड में भर करके ये कहता है बहुत दिन हो गए मां, बहुत दिन हो गए, तुम कहती रहती हो, तुम बोलती रहती हो कि मां के कर्ज को कोई नहीं उतार सकता, मां के ऋण को कोई नहीं उतार सकता। आज एक काम करो, हम सब काम बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम्हारा कर्जा कितना है। आज पहले तुम्हारे कर्ज को उतार देते हैं, बाद में और बात कर लेंगे। जब ये कहा मां ने बेटे ने कि पहले तेरे कर्ज को उतार देते हैं फिर बात कर लेंगे, मां कहती है मेरा कर्ज उतारेगा? बोले हां। तू बता, तुझे सोना दूं के चांदी दूं के हीरे दूं, जवाहरात दूं, पैसे दूं, पता लगा तुझे धरती दूं, क्या दूं, पर तू अपने कर्जे से मुझे मुक्त कर, थक चुका हूं मैं सुन सुन करके बार बार। मां देखती रहेगी क्या कह रहा है बेटा। कुछ देर देख करके कहती है कोई बात नहीं, अगर तेरे मन में आ गया है कि तुम्हें मेरे कर्जे से मुक्त होना है तो चलो आज हो जाओ, पर सुन मेरे लाल, एक मां का कर्ज उतारने के लिए तुझे सोना चांदी देने की जरूरत नहीं है। क्या करूंगी मैं, बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे कोई लगाव नहीं है, न सोने से लगाव, न चांदी से लगाव, न हीरे जवाहरात से लगाव, किसी संपत्ति से मुझे कोई लगाव नहीं है। तुम एक काम करो, बस आज रात्रि मेरे पास सो जाओ, मेरा कर्ज उतर जाएगा। टोडरमल को लगा बुढ़ापे में कहा तो जाता है दिमाग सठिया जाता है, पर हमारी माता जी का तो सच में ही सठिया गया है। रोज तो इतने बड़े बड़े भाषण देती रहती है, बार बार बोलती रहती है मेरा कर्ज मेरा कर्ज। आज उस कर्ज को जब उतारने की बारी आई तो कह रही है एक रात्रि मेरे पास में शयन कर लो तो कर्ज उतर जाएगा। टोडरमल ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर सस्ते में ही जान छूट रही है तो छूटे। इसने कहा ठीक है मां सो जाऊंगा। अपने कार्यों से निवृत्त होकर के भोजन आदि करके रात को पता लगा माता और बेटे एक ही कक्ष में, एक बेड था, लेट गए।
टोडरमल कुछ बात कहने लगा, माँ सुन ले लगी। कहते हैं जब बात करते करते टोडरमल की आंखें जो हैं पलके झबकने लगी और वो संकेत होता है कि व्यक्ति पर अब नींद चढ़ रही है धीरे धीरे। माँ ने देखा, देख करके टोडरमल को हिलाया, बेटा प्यास लगी है पानी लेके आना। ओहो, बड़ी श्रद्धा से गया, पानी का गिलास लेके आया और बड़े सम्मान के साथ, लो माता जी जल ग्रहण करो, दोनों हाथों से दिया। कहते हैं माताओं, टोडरमल की मां ने एक घूंट पानी पिया और बाकी सारा पानी कहां डाल दिया, जिधर टोडरमल लेटा हुआ था। टोडरमल ने कहा, ये क्या कर दिया मां, इसी तरफ तो मुझे लेटना है और पूरा बिस्तर गीला कर दिया, जब पानी पीना नहीं था तो मंगवाया क्यों। अब वो जो श्रद्धा थी ना, उसका लेवल डाउन होने लगा। माँ ने ये कह दिया, बेटे मैं बूढ़ी हूं, हाथ से गिलास फिसल गया, गिर गया, मुझे क्षमा कर दे, कोई बात नहीं, रख दे, लेट जा। गीले में कैसे लेटू, के बेटे कोई बात नहीं, लेट जा, एक रात की तो बात है, लेट गया। पर वो गीला गीला बिस्तर जब लगे पीठ पर तो खुंदक तो चढ़ रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। बहुत देर तक तो गीले बिस्तर में नींद नहीं आई, पर बहुत देर के बाद जब नींद ने फिर शरीर पर हावी होना शुरू किया, पलके फिर झबकने लगी, मां ने फिर पकड़ के हिला दिया, बेटे टोडरमल पानी लाना जरा। दूसरी बार में नेटवर्क और डाउन हो गए और क्या कहता, अभी तो दिया था थोड़ी देर पहले ही, इतने में फिर। माने का, बेटे पानी तो मांग रही हूं, तुझे ये थोड़ी कह रही हूं कि समुद्र मंथन से जाके अमृत लिया मेरे लिए, पानी तो लाना है। उठा, पानी लाया, लो पकड़ो, पकड़ा दिया पानी। माने फिर वही तमाशा किया, एक घूंट पानी पिया, बाकी वो पूरा का पूरा उसके बिस्तर पर डाल दिया। अब की बार तो क्रोध चरम सीमा पर था, मां बुद्धि खराब हो गई है क्या, क्या कर रही है, बार बार क्यों नाटक करके मुझे परेशान कर रही है तू, क्या मिलेगा तुझे मुझे परेशान करके। माने का, कोई बात नहीं, लेट जा। कैसे लेटू, पहली बार मुश्किल से लेट पाया था, अब की बार ये और गीला हो चुका है, कैसे लेटू। माने का, कोई बात नहीं, लेट जा। अब की बार भी लेट गया, पर लेटा लेटा बड़बड़ करता रहा। और बहुत देर के बाद में जब फिर आंखें भारी हुई और माँ ने फिर पकड़ के कहा, बेटे पानी, अब की बार तो झल्ला करके उठा, एक काम कर माँ, कुएं में जाए तेरा कर्जा, चूल्हे में जाके पड़ जा, मुझे नहीं उतारना तेरा कर्जा, परेशान कर रखा है, बुद्धि खराब कर रखी है, पीना होता नहीं, नाटक करती रहती है, मैं नहीं ला रहा हूं कोई पानी वानी। माँ खड़ी हुई और उन बूढ़े बेजान हाथों में जितनी ताकत थी खींच करके तमाचा गाल पर माला, नालायक कहीं के, तू चला था मेरा कर्ज उतारने, तेरी औकात, जो मां के हृदय को नहीं समझ सकता वो मां के ऋण को क्या उतारेगा, आज तेरे बिस्तर पर दो बार पानी क्या पड़ गया, तू अपनी मां को कह रहा है कि मैं चूल्हे में जाऊं, मैंने दो बार तुझसे पानी क्या मांग लिया, तेरी सारी श्रद्धा धूमिल हो गई। पर सुन, तू पैदा हुआ, रात में तुझे पानी चाहिए कि तुझे दूध चाहिए, कि तुझे गर्मी लग रही है कि तुझे ठंड लग रही है, मैं रात रात भर जाग करके देखती रहती थी, आज मैंने तेरे बिस्तर पर पानी डाला तो तुझे नींद नहीं आई, पर सुन, पानी नहीं, तू मेरे बिस्तर पर पेशाब करता था, अगर इधर पेशाब कर दिया तो उस पेशाब में मैं लेट गई, तुझे इधर लिटा दिया, और अगर तूने इस तरफ भी पेशाब कर दिया तो मैंने तुझे अपने सीने पर लिटा लिया, तेरी गंदगी में मैं रात भर पड़ी रही, कभी घृणा नहीं की तुझसे, इन्हीं हाथों से तेरी गंदगी को दिन में पता नहीं कितनी बार मैं साफ करती थी, तू उतारेगा कर्जा, जा चला जा, एक जन्म तो क्या, अगर
कहीं जन्म भी ले लेगा तो भी माँ के ऋण से उऋण नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। इस माँ का स्थान इतना बड़ा होता है, पर ओ मेरी माताओं कह दूं, माँ भी माँ होनी चाहिए। बुरा मत मानिएगा अगर कोई सोचे कि संतान को पैदा करने से केवल माँ बन जाती है, ना, पैदा तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर तुम सच्चे अर्थों में चाहती हो कि मुझे माँ माना जाए, तो भगवान के उस आदेश का पालन करना, वेद के उस आदेश का पालन करना, मनुर्भव जनिया देव्यम जन्म, मैं मनुष्य बनाऊंगी। और जब ये भाव मन के अंदर जाग जाता है तो चिंतन करना, फिर कितनी भी विपरीत विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, एक माँ अपने उद्देश्य तक पहुंचती है। कैसे? जैसे कहा जाता है, मथुरा में जिस समय कंस का आतंक फैल रहा था, उग्रसेन की इकलौती संतान और उसी उग्रसेन के छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक, और देवक की एक पुत्री थी जिनका नाम था, जोर से बोलो, देवकी। कंस की चचेरी बहन थी देवकी, सगी बहन नहीं थी, बहुत प्यार करता था। बड़ी धूमधाम से वासुदेव से विवाह किया था, पर जो कंस की बुराइयां थी, जो दुर्गुण थे, जो दुर्व्यसन थे, कहते हैं जब वासुदेव ने उसकी बुराइयों का विरोध करना शुरू किया तो कंस को बात खटक गई, और बढ़ते बढ़ते वो द्वेष इतना बढ़ गया, कंस को लगा आज अगर वासुदेव मेरा विरोध कर रहा है, ये मेरी चचेरी बहन देवकी मेरा विरोध कर रही है, तो कल को इनकी संतानें तो मेरे लिए मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगी। ये विचार करके, ये सोच करके, कहते हैं कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाला। ओ माताओं ध्यान से सुनना, कितनी विपरीत परिस्थितियां थी। आज की माताओं को तो कितनी सुविधा है, एक बार अगर सास को पता लग जाए कि घर में नन्ना मेहमान आने के लक्षण है, तो सास खुद ही बिचारी इतनी अच्छी हो गई आजकल की, तो पहले बहुएं डरती थी सास से, आजकल बोलो, ओहो, सारी दुखियारी कह रही है हाँ डरना तो पड़ता है। वो बिचारी पहले से पहले बोल देती है, बेटी तू तो बैठ जा, घर का सारा काम मैं अपने आप कर लूंगी। क्यों? डॉक्टर ने लिख के दे दिया है कंप्लीट बेड रेस्ट, अब वो बैठी हुई है बेड पर, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, पर उसके बावजूद भी फोन पर मायके वालों को अगर वो पता लगा बादाम घोट के भी पिला रहे हैं ना, तो भी मायके में सपरेटा ही बता रही है उसका। एक तो ये स्थिति है, एक जरा विचार करना, आज पूरी दुनिया के अंदर जिस भगवान कृष्ण की पूजा होती है, उनको पैदा करने वाली माँ देवकी कहां पड़ी है? जेल के अंदर पड़ी है। और ओ मेरी माताओं एक बार सोचना जरा, एक बार विचार करना, कितनी विपरीत परिस्थितियां माता देवकी के लिए रही होगी कि जेलों के अंदर है, और जेलों के अंदर भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कितनी संतानें? सात संतानें, सात संतानें। उन्हीं की आंखों के सामने उनके भाई ने पटक पटक करके मार दी। और एक बात कह दूं हंसी वालों, इतनी विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने आत्महत्या नहीं की। आज जरा सी बात पति कह दे तो मरने की धमकियां दी जाती है। एक तो ऐसी है करवा चौथ थी पिछले साल, और एक तरफ तो वीडियो कॉल कर रखी है पति को, और वीडियो कॉल तोड़ पर बोल करके क्या कह रही है, तोड़ू क्या व्रत अभी, जैसे इसके व्रत तोड़ते तुरंत उसको अटैक आ जाएगा, एकदम धमकी दे रही है हर बात पर धमकियां। जरा जरा से झगड़ों में आत्महत्या की बात करते हैं, पर आप चिंतन करना, विचार करना, भगवान कृष्ण की जननी माता देव की सात सात संतानों को खो चुकी थी, पर हिम्मत नहीं हारी। और जब इतना आतंक बढ़ा, मामा के हाथ मर रहे थे भांजे,
ओ माताओं जरा सोचो, मैं तो कहा करती हूँ कथाओं में, आज भी जब जून की छुट्टियां हो जाती हैं तो बच्चे ये नहीं कहते शिमला ले चलो, मनाली ले चलो, नैनीताल ले चलो, बच्चे तुरंत कूदना शुरू कर देते हैं, कहाँ जाना है जोर से बोलो। ओहो, चाहे मामा के घर चटनी से ही रोटी मिले पर जाना जरूर है। अच्छा अगर मामा कंस जैसा हो तो चाहेगा ऐसे मामा को कोई? बोलो नहीं, ऐसा मामा किसी को नहीं चाहिए, पर भगवान कृष्ण को मामा मिला तो कंस जैसा। उनके साथ साथ भाई बहनों की मृत्यु का जिम्मेदार, पर जब मथुरा की जनता को लगा कि जो अपने भांजों पर दया नहीं कर रहा है वो सामान्य जनता पर क्या दया करेगा। अरे जिसका आतंक, जिसका अत्याचार इस कदर बढ़ रहा है, इसको समाप्त करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। योजना बनी और कहते हैं माता देवकी गर्भवती थी, मानो पूरी सामर्थ्य लगा दी हो उस परमात्मा से प्रार्थना करने में कि हे प्रभु अब की बार तो कोई ऐसा चमत्कार जरूर कर देना कि मैं अपनी इस आठवीं संतान की मृत्यु ना देखूं, ये जीवित रह जाए। बने हैं ईश्वर सहायक, बात हो चुकी थी नंद के साथ। और ओ मेरी मातो बंधुओं, चिंतन करना, विचार करना, कैद में पड़ी हुई, जेलों में पड़ी हुई, आज तो हम भगवान कृष्ण के जन्मदिन को कितनी धूमधाम से मनाते, अभी तो गया 26 तारीख को भाद्रपद की वो अष्टमी तिथि, जेलों के अंदर कैद, ना कोई सुख ना कोई सुविधाएं, लेकिन उस देवी में सात्विकता है, उसके निर्माण में सात्विकता है, उसकी भावना में सात्विकता है। और उसी सात्विकता को सामने रखते उस देवी ने भाद्रपद की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में एक बालक को जन्म दिया है। कौन है वो बालक? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्मा एक कुमार। कहाँ पैदा हुए थे कृष्ण बोलो? डाबरलाल घुट्टी नहीं थी वहां, पर संस्कारों की घुट्टी जरूर थी। ओ मेरी माताओं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं तुम में भी वो सामर्थ्य भगवान पैदा कर दे कि तुम अपने बच्चों को भी ये संस्कारों की घुट्टी दो, ताकि आज जो ये युवा पीढ़ी विपरीत दिशा में जा रही है ये बच जाए, इनका उत्तम निर्माण हो जाए। और ये कैसी बन जाए तो कह दूं, देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने, देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्मा एक कुमार, जिसे कहते कृष्ण मुरार। देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने, देव की सभी तालियां बजाएंगे एक साथ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
पाल की और जय कन्हैया, पर वहां तो कोई हाथी घोड़े नहीं थे, इसलिए क्या कहा, ना कोई सुविधा थी ना कोई महल दुमहले, ना कोई सुविधा थी ना कोई महल दुमहले, ना संगी ना साथी, अरे ना घोड़े ना हाथी, ना संगी साथी सगेले, किलकारी से गूंज उठा गूंज उठा कंस माता बालक को जन्म देती है, कोई मिठाई लेके आता है, कोई कपड़े लेके आता है, और कोई आए नाए ननंद की एंट्री तो सबसे पहले जोर से बोलो कोई जाती है, कोई मिठाई लेके नहीं आया, कोई कपड़े लेके नहीं आया, कोई नहीं आया वहां, उल्टा उल्टा पैदा होते ही उस माता देवकी को कपड़े में लपेट करके अपने लाल को अपने पति को देना पड़ा, ले जाओ इसे, पैदा होते ही अपने से दूर करना पड़ा। क्यों? अभिमान कंस का भारी ये वासुदेव विचारी, अभिमान कंस का भारी कृष्ण।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जेलों में जन्मा एक कुमार हो जी, जेलों में जन्मा एक कुमार हो जी, जेलों में जन्मा कुमार हो जी, जेलों में जन्मा कुमार हो जी, जेलों में जन्मा एक कुमार